बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना किसने सिखाई? सही जवाब है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई। क्या आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस किस्म की लकड़ी से बनाई गई? सही जवाब है, कश्ती नूह साल की लकड़ी से बनाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने अरसे के बाद हुई? सही जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2000 साल के इख्तिताम पर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जलाने के लिए कितने दिन तक लकड़ियां जमा की गईं? सही जवाब है, आग जलाने के लिए एक माह तक बहुत किस्म की लकड़ियां जमा की गईं। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद में कितनी मुसलमान औरतों के नाम आए हैं? सही जवाब है, सिर्फ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो कितना अरसा जिंदा रहेंगे? सही जवाब है, एक कॉल के मुताबिक 45 साल। क्या आपको मालूम है कि किस नबी की बीवी काफर थी और उसका नाम क्या था? सही जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाला या वालिया थी। लड़की के जिस्म की वो कौन सी चीज है जिसे वो साबुन से नहीं धो सकती? सही जवाब है, आंखें।